आरोन में किया गया कोरोना योद्धा का सम्मान समारोह का आयोजन। आरोन की युवा टीम द्वारा कोरोना के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी डॉक्टर, समाज सेवी व प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल से पधारे अंशुलजी तिवारी रही। मुख्य अतिथि ने सभी कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि आपने अपने जीवन की परवाह न करते हुए सच्ची जनसेवा की है। आपका कार्य ईश्वरीय कार्य कर रहा है। भाग्य रेखा जन कल्याण शिक्षा समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि का अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में आरोन सिविल अस्पताल, पुलिस थाना आरोन, व नगर परिषद आरोन के समस्त स्टाफ को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आरोन क्षेत्र के समस्त प्राइवेट क्लिनिक संचालक, डॉक्टर व उनके समस्त स्टाफ को भी उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया। समय का पालन किया। मैं चाहता हूँ कि कोरोना जो है शायद अभी गया नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, यही बस। जो कोरोना काल से जूझ रहे थे तो आरोप के सभी नगरवासियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया और जो छोटी मोटी चीज़ें हमारे विभाग से जो कम नहीं हो पा रही थी वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल के अलावा, उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया। यहाँ के पत्रकारगण हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया और जो यहाँ के जनसेवक हैं उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ें हॉस्पिटल को दान में दी हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, प्राइवेट मशीन हैं, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मरीजों की सेवा में बहुत ज़्यादा उपयोगी रही है। तो मैं पुनः सभी आरोग्य नगरवासियों का और यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। इसलिए जोरदार एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ बैठे हमारी मातृशक्ति की, हमारी युवा शक्ति की, हमारे बड़े बुजुर्गों की और यहाँ सभी मेरे साथियों की आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में। और समय ऐसा हो गया कि सबके पेट में चूहे भी दौड़ रहे होंगे, पर सबको सम्मान कराना है इसलिए हम सबका भाषण भी सुन रहे हैं। मसूर के मैं सबके चेहरे भी देख रहा था, पर वास्तव में इस आरोन की धरा पर जो अद्भुत आप लोगों ने सेवा कार्य किया।